अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आज जो है हम नया हरूफ सीखने जा रहे हैं और वो कौन सा हरूफ है? काफ। ठीक है, काफ है और एक गाफ है। ठीक है, गाफ के ऊपर दो लाइंस आप मतलब आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और काफ के इधर ये सॉरी गलती से है, एक ही लाइन होती है। ठीक है, काफ के ऊपर। अभी हमने काफ कैसे लिखना है, पहले जिस तरह हम बे बनाते हैं ना, उस तरीके से आपने बे बना देनी है। ठीक है, ये तो बहुत ही शुरू में आपने ये चीज सीखी हुई है। ठीक है, बे बनाना, बे आपने बनाया और उसी के ऊपर आपने एक डंडी डाल देनी है। क्या बन जाएगा? काफ। क्या है ये? काफ। अगेन हम लिखेंगे, ये देखें, बे की तरह बनाया। ठीक है, और ऊपर हमने एक डंडी सी डाल दी। ठीक है, क्या बन जाएगा? काफ। काफ का किताब, ये देखें, किताब किससे बनती है? काफ से बनती है। किताब किससे बनती है? काफ से बनती है। ठीक है बच्चों, अगेन हम दोबारा से लिखेंगे, बहुत इजी है। आपने इसी तरीके से बे की तरह बनाना है और ऊपर एक डंडी डाल देनी है और ये क्या बन जाएगा? काफ। काफ का किताब। अच्छा, अब इसी तरीके से हम गाफ लिखेंगे। काफ भी बहुत इजी है, मतलब देखें जिस तरीके से हमने बे बनाते हैं, हम वो बनाया, उसके ऊपर काफ के ऊपर एक डंडी थी, लेकिन अब गाफ के ऊपर दो डंडी आ जाएगी। ठीक है, देखें इसी तरह हमने बनाया, ऊपर दो डंडी लगा दी, क्या बन जाएगा? गाफ। क्या बन जाएगा? गाफ। ये क्या है? गाफ। गाफ का गाजर। ये क्या है? गाजर। गाजर किससे बनता है बच्चों? गाफ से बनता है। किससे बनता है? गाफ से। ठीक है बच्चों।